अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। 7 मई को चुनाव होने वाले हैं। पूरी तरह हर तरफ सियासत की सरगर्मियां देखी जा रही है। आखिरी मरहला है, बिल्कुल दो चार दिन बचे हुए हैं। आज हमारे साथ बेलगाम शहर का बहुत ही मशहूर चेहरा जनाब फिरोज सेठ साहब मौजूद है। सेठ साहब, जिस तरह से चुनाव देखे जा रहे हैं और खुद वजीर आजम इस तरह का अपना लेवल छोड़ कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही दुख होता है। गुस्सा नहीं आता है जी। एक ऐसे लगता है कि ये बातें हम तो सुन रहे हैं, मगर आजकल का जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इसकी चर्चा विदेशों में हो रही जी। हम कल देख रहे थे, 2 दिन पहले बीबीसी वाले देखे, सीएनएन वाले पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या हो गया है अचानक। ऐसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कभी नहीं सुना है, और गलत है। आपको जितना किसी के मजहब के बारे में उंगली उठा करके, तो सिग्नल तो लग रहा है कि उनको कुछ परेशानी है। शायद तारीख में इस तरह के बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिए। नहीं, हमने तो नहीं सुने। लेकिन उसकी वजह क्या है? उससे फायदा उनको होने वाला नहीं है जी। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जगह एक बात। मेरा मजहब इस्लाम है, मैं मुसलमान हूँ। एक बात आपको बताता हूँ, मेरे बचपन से बड़े होने तक मेरे टीचर्स हिंदू थे जी, सभी जी। चाहे मैं मराठी स्कूल में जब पढ़ा तब थे, चाहे सेंट पॉल्स में था जब कॉलेज में था। मैं व्यापारी हूँ, मेरे व्यवहार में जो व्यापारों में संबंध आए 95% हिंदू लोगों से ही आए। कॉर्पोरेट में हो, बैंकिंग में हो, ऑफिसर्स हो, किसी ने मुझे मुसलमान हो करके नफरत नहीं जी। हालांकि अब जैसे याद करता हूँ बचपन से अभी तक, जहाँ जहाँ हम खेले, हमारे दोस्त उनके भी बच्चे और पोते बड़े हो गए, हम याद करते हैं कभी मिलते हैं तो पुराने दिन। तो ये एक आर्टिफिशियली जो इंजेक्ट कर करके अभी आजकल पोल्ट्री में मुर्गों को फुगाते हैं और काटते हैं, ये किस्म का इंजेक्शन चला है जहर भरने का लोगों के दिलों में, जो अब वर्क नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से पिछले 5 साल चला होगा। अब क्योंकि मेरा एग्जाम्पल अगर लो तो मुझे बहुत प्यार मिला है वो कम्युनिटी, सही आज भी मिलता है। दो बार एमएलए तो रह चुके हैं, इतने सालों तक व्यापारी रह चुके हैं, लोगों के बीच में है। कोई ऐसा नहीं कहा कि भाई नहीं आप मत आइए करके, वो तो बुला के आपने जिसको व्यापारी गला बोलता है, जो बालक बैठता है, वो जगह पे हमको बिठाया है, सालों से करते जी। तो वो उतने जल्दी कोई बदलने वाला नहीं है। मेरा रिस्पेक्ट जो ये कम्युनिटी के लिए है, वो भरोसा जो विश्वास है एकदम पक्का है। तो इनके 2-4 भाषणों से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ हरकतें होती है, सुनिए बात मेरी, हर कम्युनिटी के लोगों में डार्क फोर्सेस 25-50 बैठ के उंगली करने वाले होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे इनके पीछे लग जाते हैं, ऐसे नहीं है। एक दो मुद्दों पे इनको मिला होगा फायदा, हाँ, कुछ इमोशंस को जगा करके, तो ये समझे कि अब ये फॉर्मूला गाली देने पे होगा। अब देखिए उसके वजह से कितनी बदनामी उनकी हो रही है, ये खुद हारेंगे उसके वजह से। उसके लिए उनके लिए हम तो समझो इतने समझदार है, वो ऐसी बात करके क्यों खुद का नुकसान करके ले, कोई नहीं सुनने वाला है। क्योंकि जो भी आप ध्यान से हिंदुस्तान भर में देखिए, करीब 543-544 सीट्स होते हैं जी। और 544 सीट्स के ऊपर हर जगह 3-4 कैंडिडेट्स होते हैं, 2 मेजर पार्टीज के जी, या मेजर पार्टी सपोर्टेड ऐसे होते हैं, और 99% आमने सामने हिंदू हिंदू ही होता है जी। ऐसा नहीं कि भाई कोई आके यहाँ पे बाहर का मुसलमान आके खड़ा होके लड़ रहा है उसके साथ, ऐसे तो है नहीं, ऐसा तो नहीं। तो दिस नैरेटिव विल नॉट वर्क, इट विल नेवर वर्क। नहीं, जिस तरह से ये मंगलसूत्र की बात कही, मिल्कियत पर कब्जा
क्या अजीब लगता है कि देखो 140 करोड़ जनता का ये देश इतना बड़ा मुख्तलिफ मजाही मुझे तो गुस्सा नहीं आता है क्योंकि मुझे रहम आता है इनकी बातों पे। नहीं ये अफसोसनाक है कि मेरे वतन के प्रधानमंत्री इनकी हसारत विदेशों में हो। हम अपने आप को क्या कहते हैं जगत गुरु या विश्व गुरु कहलाते हैं और ऐसी हम बात हरकत करते हैं और बात करते हैं जो मामूली तौर पे भी कोई नहीं करता है। नहीं इस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं लेता जब छोटी छोटी बातों पे लिया जाता है। पॉलिटिकल हो गया लीगल हो गया मगर आप समझ नहीं रहे हैं कि सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है वतन की इज्जत है। एक हमारा एक संस्कृति है हमारी एक पोजीशन है दुनिया में हमारी सोच के बारे में एज इंडियंस और ऐसे बात करेंगे तो हम ये गटर लेवल के पॉलिटिक्स पे चले जा रहे हैं। कोई ऑर्डिनरी करता है ठीक है अपने जगह पे आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी कहते तो थोड़ा इस बार बुरा लगता है तो ये बयानात भी असर करेंगे इस चुनाव में तो 200 कुछ लोग आज भी जिंदा अभी भी उनसे विनती करूंगा अगर मेरी बात पहुंच सकती बड़े लोग हैं हमारे जैसों की बात कहाँ पहुंचे कि सर आपको ये शोभा नहीं देता है आप बड़े आदमी हैं आपका लेवल अलग है आप चांद तारों की बात करो हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करो कैसे ले जाएंगे वो बात करो कैसे ले गए हैं आप तो वो भी बात करो भाई ये क्या बातें हैं ये किसको बताना है। कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा की अगर बात कही जाए तो एक तरफ संविधान बदलने की बात वो खुद करते हैं लेकिन इल्जाम कांग्रेस पर थोप देते हैं। धर्म की बात वो खुद करते हैं इल्जाम कांग्रेस के पर थोप दिया जाता है। देखो क्या है एक बड़ी इंसल्टिंग है ये मामला सभी कि अगर हम सबको हिंदुस्तानियों को भारत देश के भारतवासियों को कोई बेवकूफ समझ के रखा है और इसलिए कैसे भी बोलो तो एक पागल लोग है ये हजम कर लेंगे ऐसे ही अगर सोचे और हमें सबको सबको बेवकूफ समझ रखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कम्युनिटी जेंडर एंड एरिया हाँ तो फिर बेवकूफ है क्या कौन बेवकूफ है आपको जून में पता चल जाएगा। हाँ जून में पता चल जाएगा। एक बात हो सकती है कुछ वजह से बौखला गए होंगे कुछ उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलता होगा फिर भी ऐसे डिस्टर्ब होके बैलेंस खोना अच्छा नहीं दिखता है। मान लो अभी कि इंडिया और एनडीए मुकाबला है इंडिया गठबंधन इस बार चुनाव जीत भी सकता है सत्ता में आ भी सकता है बातें तो है सामने सर्वेज भी वही। मान लो अगर एनडीए अगर हुकूमत में आता है तो इस मुल्क की तस्वीर क्या हो सकती है। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन और ट्रेजरी बेंच जो रूलिंग बोलते हैं ये दोनों कम सरक ताकत में बराबर अगर हो तब डेमोक्रेसी का फंक्शनिंग बहुत स्मूथ चलता है क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर इनसे डर के ये काम करते रहते हैं कि ये मुद्दे खुलते जाएंगे ये इनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं और दैट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर द कंट्री एंड द कंट्रीमैन। अब वो ऐसे होने लग रहा है ऐसे होगा ऐसे ही होगा ऐसे लग रहा है। पिछले 5-10 सालों में अपोजिशन कमजोर थी नंबर्स में कमजोर थी अब ये बार वैसे नहीं होगा। ये बार जो हम देख रहे हैं तमिलनाडु है वेस्ट बंगाल है केरला है आंध्रा है साउथ इंडिया की महाराष्ट्र है इंक्लूडिंग महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी हलचल 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 बहुत है जी राजस्थान। हाँ तो आप मत समझे कि साउथ साउथ का ये एक नैरेटिव चला नहीं देख रहे ऐसे कुछ नहीं है हर जगह लोग परेशान हैं वो भी तो भारतीय है ना कोई भी हो। मेरे घर का बड़ा अगर कोई अलग घर से गलत बात करता है तो मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा मैं शर्मिंदा होगा। सर 400 पार के नारे पर क्या अरे वो 400 पार ये ठीक है जुमले पुरानी आदत है जुमला बोलना बोल करना लेकिन उनके जुमले काम भी तो करते हैं शुरुआत से अगर देखा जाए तो मालूम नहीं क्यों काम किए या लास्ट टाइम तो चलो बहुत बड़ा हादसा हो गया था पुलवामा का उसमें काफी लोगों को एक तरफ आना पड़ा शायद 2019 की बात है जी सर
2014 में तो सब झूठ के सहारे आए थे, बाकी कुछ नहीं, वो उसका खामियां आप भुगतेंगे। नहीं मतलब अब झूठ बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, सही क्या? नहीं अब सिर्फ झूठी बोल रहे हो। कुछ बचा नहीं, नहीं इनका हर 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 स्टेटमेंट इनका झूठा है, हर बात इनकी झूठी है। पता नहीं मुझे किसी ने पूछा परसों, एक इंटरव्यू चला था हमारा, थोड़ा छाव में आ जाए कि वो टाइम्स नाउ का चला था, बेलगा में वो बस आए थे, तो दो तीन बीजेपी के लोग थे, अच्छे पढ़े लिखे लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, अचानक से बोला अरे आप वायनाड में हरा झंडा क्यों नहीं दिखा। पहले तो मैं समझा नहीं है, फिर पता चला कि वो मुस्लिम लीग वाले और सपोर्ट करते, लेकिन फ्लैग हमने कहा भी हमारा फ्लैग, मेरा फ्लैग तिरंगा है, दुनिया का ना हरा है ना नीला है ना भगवा है ना कुछ है, और भारत का सबसे ऊंचा है, भारत के सबसे ऊंचा बेलगाम शहर में लगा है, और यही मेरा जवाब हमेशा के लिए है, और सबसे यही कहूंगा कि आपका एक तिरंगा है उसको आंखों को लगाइए, उससे प्यार कीजिए, तो पूरे सब भारतीय भारतवासी आपके उनके उनके सबके कलर कलर दिखेंगे आपको फ्लैग पे, और तब जाके एक लक्ष्य लेकर के हम सोचे कि हमें भी जाना है अगली पीढ़ी को एक अच्छा माहौल, एक अच्छा हिंदुस्तान हवा लेकर के, वी हैव टू मूव ऑन, जैसे उम्र होती है तो अच्छा एक माहौल, जैसे हमारे बड़ों ने हमारे वालिद और दादा परदादा जैसे सबको लेके चलते थे, सब लोग तब के, वो कंटिन्यूटी हम कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज द ओनली थिंग। तो वैसे के लिए एक सरकार, ऐसे काम की फ्रेंडली सरकार चाहिए जो सेक्युलर सरकार है, जो सेक्युलर पार्टी से बनी हुई है, चाहे 100 सेक्युलर पार्टी जुड़ के बनाए, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ कांग्रेस सेक्युलर है, बहुत हर हिंदुस्तानी हर भारतीय सेक्युलर है, थोड़ा लागे वो जहर का एक इंजेक्शन चला गलत टाइम पे लग जाता है तो वो वैक्सीन ही कह देंगे, हाँ वो थोड़ा चला है वो टेम्पररी होता है लेकिन डैमेज करता है, वो हमें सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे पोते कल खेलना है बाहर निकल के, घर जिस माहौल में आप जिस माहौल में हम तो रोड पे पतंग उड़ाए हैं, रोड पे बोकला खेले हैं, गोटी खेले हैं, क्रिकेट खेले हैं, वो आज के बच्चे भी वही करेंगे, सही, मगर एक दूसरे को शक से देखेंगे, जाति पूछते बैठेंगे तो कहाँ खेलेंगे कब। जी एक तो बुरी आदत तो पड़ गई है। आखिरी सर नौजवान को एक मैसेज दे दूं सर, क्योंकि नौजवान ही इस मुल्क का इस कौम का मुस्तकबिल है। मैं सबसे सभी से चाहे इकबाल हो चाहे आनंद हो जी, चाहे विक्रम हो चाहे जोसेफ हो, मैं सबसे यही कहूंगा कि अब वक्त आ गया है, इंतजार मत कीजिए, बाहर निकलिए, जो भी कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं आपके आसपास जिनका 7 तारीख को पोलिंग है, यहाँ कोई शादी का वलीमा नहीं है कि आपको आके कोई दावत दे, ये आपके हमारे और आपके आने वाले बच्चों के और आपके बड़ों के, ये सब के फ्यूचर का, अपने वतन के फ्यूचर का एक बहुत ही संगीन वक्त है, जहाँ पे आपका बाहर निकलना, आपका वोट करना और बहुत शांति से बिहेव करने का वक्त आया है, समझदारी से इसे एक बड़ी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझो कि जिंदगी में आप बहुत निभाते होंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी उन सब जिम्मेदारियों से बड़ी है। मैंने में एक बार आप लाके अगर खर्ची देते होंगे वो तो ठीक है, लेकिन ये जो है, ये जो आगे का भविष्य, अगले 50 साल चलने का जो आपका गेस्चर होगा, आपकी जिम्मेदारी निभाने का जो एक्ट होगा, यही सबसे अहम होगा। 7 तारीख में मंगलवार को चिक्कोड़ी से प्रियंका जारकीहोली, बेलगाम से मृणाल हेबरकर और फिर डॉक्टर अंजलि निंबाळकर, बीजापुर से, धारवाड़ से, जो जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स है, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है या आप पहुंचा सकते हो, मैं बहुत ही दिल के गहराइयों से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ना मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए और आपके लिए भी, कि आपका वोट लाइफ बनाएगा या बिगड़ेगा, बिगड़ाएगा, आप जहां भी हो, चाहे
कोई मंडली के अध्यक्ष हो, कोई मंडली के सदस्य हो, कोई जमात के मुतवली हो, जमात के मेंबर हो, कोई चर्च के सोशल वर्कर हो, कोई एनजीओ के मेंबर हो, कोई टीचर हो, ये अपना पर्सनल सब भूल करके देश का सोचने का वक्त है। सोचिए, कामयाब कीजिए। थैंक यू।